क्योंकि कठिन समय आने वाले हैं 2021 में, कठिन समय आने वाले हैं। तो अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ बपतिस्मा आपका नहीं हुआ, परमेश्वर आपके अंदर नहीं है, जीना मुश्किल है इन सालों में जो आने वाले हैं। अरे आज आपके वो बच्चे कंट्रोल नहीं होते, सोचो जिनके अब बच्चे पैदा होने वाले हैं और इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, बच्चा उठते ही बोलेगा मेरा फोन कहाँ है, पैदा होते ही बोलेगा फोन कहाँ है, तो कैसे आप उनकी परवरिश कर पाएंगे अगर आप खुद परमेश्वर से भरे हुए नहीं है, उसकी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे हुए नहीं है। मुश्किल हो जाएगा, वो 8-10 साल का ही बच्चा है आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, बाद में तो पता नहीं वो क्या करेगा आपके साथ, अगर आपने उसे खुद आत्मिक आदतें नहीं डाली और उसको नहीं डाली तो। तो शॉर्टकट में बोलता हूं यही चीज कि ये समय जो आने वाला है, अगर पवित्र आत्मा को आपने प्राप्त नहीं किया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन आप नहीं जिएंगे, आप काम में व्यस्त रहेंगे, रिश्तेदारियों में व्यस्त रहेंगे, अपनी अभिलाषा में, अपने पापों में, अपने नशे में, अपने व्यभिचार में और लड़कियों के पीछे घूमते रहेंगे और आप इन्हीं चीजों में व्यस्त रहेंगे, तो ऐसा समय आने वाला है जब आप रोने वाले हैं। यही चीज जो मैं नए नए प्रभु में आया था लड़कों को बोलता था, जो मेरे पास आते थे शॉप में, जहां मैं अपने बर्थडे पर बुलाता था, मैंने कहा सुधर जाओ, कठिन समय आने वाले, अगर गौर नहीं की। और बाद में 8-10 साल बाद जब अब मुझे मिलते हैं, ओ जी अस्त निकल रहे, गौर नहीं की, सचमुच साढ़ा पूरी प्लीज साढ़े प्रार्थना करो, असं बहुत कठिनाई के लंघ रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन आप जी रहे हैं जी नहीं।